हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू इजी लर्न। आज फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ये देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के सर्वनाम के भेद, यानी पर्सनल प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रोसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्पैथेटिक प्रोनाउन। चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं, फर्स्ट हम देख लेंगे पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। हमारा फर्स्ट हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। यानी कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, वस्तु आदि के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। एस वी विल सी द एग्जाम्पल, देखिए हम एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, इटीसी। ये देखिए, ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन के डिफिनेशन है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं वे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एस वी विल सी द एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम देखेंगे। ये देखिए, ए यानी दिस इज माई बैग, यह मेरा बैग है, यानी कि यह संकेत कर रहा है कि यह मेरा बैग है। सेकेंड देखेंगे, दैट इज ए काउ, यानी वह एक गाय है। सी देखेंगे, दीज आर माई पेंसिल्स, यानी कि यह मेरी पेंसिल है। और ये दोज आर हिज फ्रेंड्स, वे उसके दोस्त हैं, यानी कि ये इशारे कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, ये इसलिए ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। दैट्स क्लियर। अब हम थर्ड देखेंगे। ये देखिए थर्ड हमारा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनसे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ऐसे एग्जाम्पल हम देख लेंगे, एनी, मेनी, इच, सम, आल, फ्यू, बहुत, लिटिल, नथिंग, नथिंग, एटीसी। यानी कि ये हमारे एग्जाम्पल, हमारे जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे। अब हम फोर्थ देख लेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हु, हुम, विच, व्हाट, इटीसी, ये हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन्स हैं। जैसे हम ये देखेंगे, इसे हु, Who are doing? Who are you? Who are
यू, यानी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम कौन हो। तो यहाँ पर हु हमारा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, यानी हु मीन्स कौन, यानी कि ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जैसे हम सेकेंड देख लेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, यानी तुम क्या कर रहे हो, यानी हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। तो व्हाट हमारा क्या है, व्हाट मीन्स क्या होता है, तो ये हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। सी हमारा आ जाएगा वेयर आर यू गोइंग, यानी कि तुम कहाँ जा रहे हो। वेयर मीन्स कहाँ होता है, यानी हमसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे तब हमारी ये क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हुज इज दिस बैट, यह बल्ला किसका है। हुज मीन्स होता है किसका, यानी यह बल्ला किसका है। होम डिड यू सी, तुमने किसे देखा, यानी होम मिस होता है किसे, या होम डिड यू सी, तुमने किसे देखा, यानी हमसे क्वेश्चन किया जाता है। ये इसलिए हमारे दैट्स क्लियर हो जाए कि यह हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, 5 हमारा है प्रोसेसिव प्रोनाउन। प्रोसेसिव प्रोनाउन यानी अधिकार सूचक सर्वनाम, जो पुरुषवाचक किसी पर अपना स्वामित्व यानी अधिकार प्रकट करते हैं उन्हें प्रोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा, जैसे देखेंगे माइन माइन योर हिज देयर, ये हमारा प्रोसेसिव प्रोनाउंस हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 6 ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी पूर्व कथित संज्ञा की ओर संकेत करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल देखेंगे, जैसे आई नो द बॉय हु केम हियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नो द बॉय हु केम हियर, यानी कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो यहाँ आया था, यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा हु हमारा क्या हो जाएगा, मैं उस लड़के को जानता हूँ जो यहाँ आया था, यानी कि वो हमसे पूछा जा रहा है। सो यह रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा। सेकेंड हम देखेंगे, देखिए सेकेंड, जैसे दिस इज द गर्ल हूम I helped yesterday. जैसे देखेंगे, this is the girl whom I helped yesterday, यानी वह वही लड़की है जिसकी मैंने सहायता की थी, यानी whom हमारा क्या हो जाएगा, whom, यानी कि सर्वनाम से पहले संज्ञा की ओर संकेत किया जा रहा है, अतः यह रिलेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा। चलिए हम 7 देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम, जो कोई कार्य किसी के द्वारा स्वयं किया जाता है, तो व्यक्तिवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्वेस जोड़ देते हैं, तब वह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल देख लेंगे, जैसे ये माई और योर ये देम और इट, इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये माई है तो इसको इस तरह कर लेंगे, माई
सेल्फ, माई सेल्फ, यह अवर्थ अवर सेल्फ, योर है तो योर सेल्फ। देखिए यह हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, इन सेल्फ, यानी कि ये हम जैसे सेल्फ रहेगा उसको सेल्फ सेल्फस जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एट हमारा है इम्फेटिटिव प्रोनाउन। जैसे इम्फेटिटिव प्रोनाउन यानी देवता सूचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जिसका प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए किया जाता है वह इम्फेटिटिव प्रोनाउन्स कहलाता है। जैसे हम इसका देख लेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिटिव प्रोनाउन में कंपैरिजन करेंगे। ये देखिए आई डिड इट माई सेल्फ, यानी इम्फेटिटिव प्रोनाउन, आई माई सेल्फ डिड इट, सी डिड इट हर सेल्फ, सी हर सेल्फ डिड इट, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्रिया के पश्चात आता है जबकि इम्फेटिटिक्स प्रोनाउन दृढ़ता का भाव प्रकट करता है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। सो फ्रेंड्स यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द होल कंसेप्ट। अगर फ्रेंड्स आई होप आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।